हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग किस पर है। तो जी हाँ, आज मैं आपको कढ़ी की रेसिपी बताऊंगी, वो भी मेरे स्टाइल से। तो पहले तो मैं सबसे पहले प्याज को चॉप कर लेती हूँ लंबे लंबे पीसेस में। ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है शायद आपके स्टाइल से। पहले मैं ले लूँगी एक कच्ची मस्टर्ड ऑयल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसमें एक सूखी मिर्च डाल सकते हैं और उसे ब्राउन होने दीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत मेथी। साबुत मेथी को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद में मैंने इसमें ऐड किया है जीरा। जीरा को भी हम थोड़ा इसमें हल्का सा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद मैंने जो प्याज कट किया है उसके पीसेस में थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी। मुझे कढ़ी में ज़्यादा प्याज अच्छा लगता है तो मैंने ऐड किया है थोड़ा सा प्याज। थोड़ा सा प्याज मैं बाद में ऐड करूँगी। जो मैंने प्याज ऐड कर दिया है, अब मैं इसे हल्का ब्राउन होने दूँगी। आप इसको स्टिर करते रहिए साथ साथ में, जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। मैंने इसमें प्याज के साथ लहसुन भी ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सूखा धनिया। सूखा धनिया का पाउडर मैं इसमें ऐड किया है और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी हल्दी। हल्दी पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड की है इसमें। आप चाहो तो डाल सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी ऐड कर सकते हो। मैंने इसमें ऐड किया है एक कटोरी बेसन। बेसन को हम अच्छे से भून लेंगे इसमें। जब तक बेसन अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता तब तक आप इसे ऐसे ही पकाते रहें। ऐसे ही अच्छे से इसे भूने आप। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो आप इस आपको बेसन की खुशबू से ही पता चल जाएगा कि ये पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक मेन इंग्रेडिएंट जो कि है लस्सी। लस्सी आप लस्सी भी यूज़ कर सकते हो और आप दही भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें दही यूज़ किया है। दही को आप अच्छे से पहले फेंट लीजिए और फिर इसमें ऐड कीजिए। मैंने दही इसमें ऐड कर लिया है। अगर आप इस तरह से कढ़ी बनाओगे तो आपका बहुत टाइम सेव होगा। बहुत ही जल्दी ये कढ़ी बन जाएगी। जब मेहमान आते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी जल्दी बनाना होता है कुछ भी बनाओ, और माइंड में यही आता है कि कढ़ी बनाते हैं, पर कढ़ी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। पर अगर आप इस मेथड से बनाओगे तो आपकी कढ़ी बहुत ही जल्दी बन जाएगी। अभी हमारी कढ़ी कंप्लीट नहीं हुई है। मैंने इसमें ऐड किया है नमक। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हो।